दोस्तों, आज हमारी मैडम पैनी ने एक नई दुनिया दरियाफ्त की। नहीं, दरियाफ्त नहीं की आफाकी साहेब, फतह की है। वो आई, उसने देखा और फतह कर लिया। क्या हो गया आप सब लोगों को? इस बात का तो ध्यान कीजिए कि दो जूनियर्स आपके दरमियान बैठे हैं, आसान अल्फाज में गुफ्तगू कीजिए प्लीज। अरे दरियाफ साहब, छोड़िए जूनियर सीनियर की बहस को, ये गए वक्तों की बातें होगी। ये सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह पर एक ही नाम का चर्चा है, एक ही नाम पर बहस है। हुस्ना का फेसबुक नहीं। जी नहीं, नया सितारा उभर चुका, पुराना सूरज गए वक्तों की बात हो गई। लोगों को इस बात पे कोई दिलचस्पी नहीं कि हुस्ना हुस्नी का इश्क किसके साथ चल रहा है। लोग कहानी पढ़ रहे हैं, लेकिन पैनी साहिबा की कहानी और जुल्फकार साहब उनकी तो ऐसी खिल्ली उड़ी है, ऐसी खिल्ली उड़ी है कि लुत्फ आ गया। एग्जैक्टली इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि इनबॉक्स भर चुका है। इतनी दाद तो लोगों को झूमर पहन के शेर कहने पर भी नहीं मिली होगी। ये उस ब्लॉग का जिक्र हो रहा है जो आपने लिखा है? जी जी, बिल्कुल उसी का जिक्र है। उसी में मैडम पैनी ने जुल्फकार की पोले खोली है कि वो किस तरह बीवी को इस्तेमाल करके बिजनेस कर रहा है। क्या नाम के साथ लिख दिया सब? जी हाँ, सब लिख दिया, नाम, मकाम, वाकियात, सबके साथ। जी हाँ, टिकटॉक पर इश्क आशिकी की नज़में गए वक्तों की बातें हो गई, सिक्का रायजुल वक्त, दरवाजे के उस तरफ की कहानी, बोले तो लीक स्टोरीज। जहारा, तुमने जो फूल भिजवाए थे इनको बहुत अच्छे थे, तो फ्लोरिस्ट के थे ना? हो, कौन से फूल? अरे इतनी स्टोरीज तो हमें भी लीक करनी आ गई हैं। कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान को फूल भिजवाते हैं, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? क्या हो गया आप सब लोगों को? ऐसा लग रहा है कि एक दो रोज में आप सब लोग बदल गए। दो रोज बहुत होते, 48 घंटे, जरा सोचिए। हेलो, हाँ महाराज बोलो। क्या तुम पुलिस को फोन करो? हाँ आ रहा हूँ मैं। क्या हुआ, खैरियत? घर पे लोग पथराव, खैरियत? घर पे लोग पथराव कर रहे हैं। किसके? आपके? जरियाब साहब, आप? अरे अहमद जरियाब साहब के घर में पथराव? अरे शहरयार, इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? आ गया होगा इसके किसी फैन को गुस्सा। ओ भाई, मुझे तो इस पथराव की बड़ी फिक्र है। क्या आप लोगों को है? जी 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 जी, मुझे तो बहुत फिक्र है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि पहला पत्थर आपके तवस्सुफ से ही आया होगा। आप बहुत चैतान है। शुक्रिया शुक्रिया, चाय लीजिए।